दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक बना दिया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां दूर तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं, बल्कि देश के हर गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम चलाते हैं। आयुष्मान भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों? मोदी है तो मुमकिन है। इसे कौन कर रहा है? मैं फिर कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, वो सपने भी देखते हैं, संकल्प भी करते हैं और सिद्धि के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। यह हमारे नागरिकों की मेहनत, लगन और निष्ठा से संभव हो रहा है। साथियों, भारत में बदलाव सिर्फ सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं है, ये बदलाव देश के हर नागरिक के, हर नौजवान के आत्मविश्वास में भी दिख रहा है। और आप जानते हैं, सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो खुद का आत्मविश्वास होता है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के दो पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा, आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है, निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने भी हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी